Good morning, dear friends, and praise the Lord for this beautiful new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए और सुंदर दिन के लिए. It is God's faithfulness and mercy that we are able to see the sunrise of a new day. और ये परमेश्वर की दया और करुणा है कि आज के नए दिन का सूरज हम देखने पाए. So let us meditate on God's word before we set out to do our daily duties. और इससे पहले कि हम अपने दिनचर्या में व्यस्त होकर चीजों को भूल जाए, होने दे हम पहले अपने दिन की शुरुआत में परमेश्वर के मनन के लिए समय दे. Today's meditation is centered around the book of Genesis chapter 3 verse 21. और आज के लिए हमारे मनन का जो हमने शीर्षक या हमने जो वचन लिया है उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 21वां वचन. The title of this meditation is God's covering for man's nakedness. और इस मनन का जो शीर्षक मैंने रखा है वो है मानव के नग्न अवस्था में परमेश्वर का उसे ढकना. And verse 21 of chapter 3 of Genesis says, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया. The first thing that happened to man when he sinned. और जो वो पहली बात जो मनुष्य के साथ हुई जब उसने पाप किया. Was that he lost that garment of the glory of God. तो वो था ये कि वो परमेश्वर की महिमा का जो कपड़ा था उसने खो दिया. And they became conscious of the shamefulness of their nakedness. और वो इस बात को देखने पाए कि और इस बात को समझने पाए कि वो नग्न अवस्था में हैं और वो इस कारण वो उन्हें शर्म आई. And so the Lord God made coats of skin. और इसलिए परमेश्वर ने चमड़े की अंगरखे बनाकर. Thus man was clothed with by God और मानव को पहना दिया. The whole mystery of justification और इसलिए क्षमा किए जाने की पूरी जो गुप्त बातें हैं is wrapped up in this story. इस कहानी में वो सारा रहस्य छुपा है. Much details was not given. और काफी सारी बातें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं. But certain details are easily discernible. लेकिन कई सारी बातों को बड़ी अच्छी और स्पष्ट रीति से समझा जा सकता है. First of all, पहली बात, an animal is certainly killed. हाँ, कि सच में एक जानवर को जरूर मारा गया. And secondly, दूसरी बात, blood certainly flowed. और सच में जब उसे मारा गया है तो खून बहा है. As we are called upon to remember, और जैसे कि हमें बुलाया गया है कि हम स्मरण करें, and meditate upon Christ and His suffering and death, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की दुख तारणा और उसकी मृत्यु को स्मरण करें. Let us give some thoughts on this particular portion of scripture. आइए वचन के इस भाग में भी हम थोड़ा सा समय लेकर अपना ध्यान दें. And dig out certain scriptures. Or certain truths from this. और आइए इस वचन के इस भाग से कुछ सत्य बातों को हम जानकर खोज कर निकालें. Adam and Eve found themselves as naked. और आदम और हव्वा ने दोनों ने खुद को नग्न अवस्था में पाया. And they tried to cover themselves. और उन्होंने खुद को छिपाने की कोशिश करी. And so they made a garment with leaves. और इस कारणवश उन्होंने पत्तियों का अंगरखा बनाकर पहन लिया. But leaves can never be a permanent answer nor satisfying one. और याद रखिए कि वृक्ष की पत्तियां ना ही स्थाई उनकी समस्या का उत्तर था और ना ही वो ज्यादा समय तक चल पाते. Man is utterly incapable of bringing any satisfying righteousness of his own. याद रखिए मनुष्य के पास तो ऐसी कोई भी अपेक्षा या ऐसा गुण नहीं है या योग्यता नहीं है कि वो अपनी धार्मिकता को खुद बनाए. What happened once you disobey and sinned against God? क्या होता है जब आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी और उसके विरुद्ध पाप कर देते हैं? You cannot get out of that guilt by anything you may do.
तब आप उस दोष से बाहर नहीं निकल सकते अपने किसी भी कार्य को किए जाने के वजह से। योर एफर्ट्स, आपके कार्य, एंड योर ट्राइंग हार्ड, और आपके कितना भी आप मुश्किल प्रयत्न करें, will never remove the shamefulness of your nakedness. वो कभी भी आपके नग्न अवस्था की शर्मजनक अवस्था को आपसे दूर नहीं करेगी। Man can see his shame and cannot effectually cover or conceal it. और याद रखिए, मनुष्य तो अपनी नग्न अवस्था को देख सकता है, लेकिन कभी भी सही रीति से उसे छिपा नहीं सकता। Your own righteousness shall look like a filthy rags in the sight of a holy God. और आपकी अपनी धार्मिकता परमेश्वर की नजरों में उन सड़े हुए बोरों के समान है। Though man tried hard to cover his nakedness, और भले ही मनुष्य ने बड़ी कोशिश और प्रयत्न किए कि वो अपनी नग्न अवस्था को छिपाए, he also knew that the leaves are not completely concealing his nakedness. वो इस बात को भी जानता था कि ये पत्तियां उसके नग्न अवस्था को पूर्ण रीति से नहीं छिपा रही हैं। It dries, और वो सूख जाएंगी, and shrink, और वो सूख कर छोटी हो जाएंगी, and it breaks, और उसके बाद वो पत्तियां टूट जाएंगी, so your nakedness is again exposed, और उसके पश्चात आपका नग्न अवस्था फिर से दिखाई देगा, and you who clothe yourself with your own self-righteousness, और आप जो अपने आप को अपनी स्वार्थ या अपनी स्वयं की धार्मिकता से ढकने की कोशिश करते हैं, what is the result? उसका परिणाम क्या होता है? You will stand shivering and ashamed. तब उसका परिणाम यह होता है कि आप कांपते हुए शर्मजनक अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। And the only thing you keep on saying, और सिर्फ एक बात जो आप कहते रहते हैं, is this, वो ये है, I am ashamed, कि मैं शर्मशार हूं, because I am naked, क्योंकि मैं नग्न अवस्था में हूं। This is the condition, ये हमारी अवस्था है। And today, और आज के that दिन, fallen nature is so active in people's life, और आज के दिन वो गिरा हुआ स्वभाव लोगों के जीवनों में बड़ा कार्यशील है। They almost lost feeling shame of their own nakedness. और लोगों ने तो अपनी नग्न अवस्था को लेकर शर्मशार होना ही छोड़ दिया है। That's why today so many celebrities and big people, they don't mind going around half naked and they are not ashamed of it. और इसलिए आज के दिन जो प्रसिद्ध लोग हैं, वो अध नग्न अवस्था में बाहर जाने से शर्माते नहीं और ऐसे ही घूमते हैं। That is the result of sin. और ये है एक पाप का परिणाम। And so people or humanity or members of humanity are so used to this shameful nakedness, और इसलिए मानवता के ये सभी मनुष्य इस नग्न अवस्था को लेकर इतने शर्मशार हैं, they stop feeling shame, कि अब उन्हें कोई शर्म आना ही रुक गई है। On the other hand, दूसरे हाथ पर the opposite happened, उल्टा ही हो रहा है। So that which is shameful, they feel very proud of it. कि वो जो बड़ा शर्मशार कर देने वाला है उसको लेकर वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं। That is where sin, if you don't get out of sin and find the answer, will lead you to. और इसी तरीके से पाप भी आपको लेकर के जाएगा अगर आप पाप को से दूर नहीं होते। But there comes a point, लेकिन एक ऐसा क्षण जरूर आएगा, suddenly, अचानक से, they can only say, I am ashamed because I am naked. वो कहेंगे कि मैं शर्मशार हूं, मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं नग्न अवस्था में हूं। We will continue it in our next meditation. हम इस मनन को जारी रखेंगे अपने शनिवार के दिन अपने इस मनन के समय। But remember my friends, लेकिन याद रखिए मेरे मित्रों, God, unless God himself clothes you properly, जब तक परमेश्वर खुद आपको कपड़े ना पहनाए with a proper material, जो कि सही रीति से बनाए गए हों, you can never and you will never get out of the shamefulness of your nakedness. तब तक आप अपने नग्न अवस्था के शर्मशार अवस्था से बाहर नहीं निकल सकते। So may the Holy Spirit continue to help you. और इसलिए होने दे पवित्र आत्मा निरंतर रूप से आपका सहायता करे। And so
in modern society, और आज की आधुनिक समाज में we expose ourselves nakedly so much. हम अपने आप को नग्न अवस्था में इस रीति से इतना ज्यादा रीति से देते हैं. We don't even realize that it is all the result of living in sin and rebellion. कि हम इस बात को समझते ही नहीं कि ये सारा परिणाम है कि हम पाप में जीने का और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं. Let us pray for such people. और होने दे हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें. They will get out of it as fast as possible. कि वो इन सारी बातों से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने पाएं. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. Oh Lord our God. हे हमारे परमेश्वर. Oh blessed Holy Spirit. हे धन्य पवित्र आत्मा. Come upon us. हमारे ऊपर आ जा. Come within us. हमारे भीतर आ जा. And then you control us. और हमारा मार्गदर्शन कर और नियंत्रण कर. You meet our, you open our eyes that we may see what is wrong with us. होने दे हमारी आंखों को तू खोल ताकि जो हमारे साथ गलत है हम उसे देखने पाएं. And you are our God and hope. तू हमारा परमेश्वर और हमारी आशा है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my friends. मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Have a great day. एक महान दिन आपका बीते. And live to glorify him. और आप जिए कि परमेश्वर को महिमा दें. Amen. Amen.